जाती हूँ। पिछले 3 सालों से मैंने अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश की, अपने पति को बहुत समझाया मैंने, पर वो मेरी बात समझते ही नहीं। पता नहीं उन पर कौन सा पैसा कमाने का धुन सवार हो गया है। मैम, मेरे ख्याल से तो आपके पति को आपकी बात मान लेनी चाहिए और उन्हें वापस आ जाना चाहिए। वापस आ जाना ठीक है, मैं तो उन्हें ये तक बोलती हूँ कि हमें वहाँ पे बुला लो, तो फिर भी वो मेरी नींद मेरी जरूरतों को समझते ही नहीं हो। हमारे कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ, लेकिन यहाँ नहीं, गाँव में। गाँव में? हाँ, हम बचपन से एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। तो कब करने वाले हो तुम लोग शादी? अभी नहीं, अभी बहुत टाइम। दरअसल वो क्या है ना कि अक्सर गांव में लड़की वाले देखते हैं कि लड़का वाला कमाता कितना है, हमारी लड़की को खुश रख पाएगा या नहीं, तो इसीलिए मैं मुंबई आ गया। अभी यही सोचता हूँ कि ऐसा क्या करूँ जिससे जल्द से जल्द पैसा कमा सकूँ और फिर गांव जाके शादी कर। तो ये बात है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम दूर कर सकती हूँ। तो कैसे? जॉब दिला सकती हूँ, आई मीन दे सकती हूँ। तुम कम समय में अच्छा पैसा कमा सकते हो। सच में ऐसा हो सकता है? मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। बताइए मुझे क्या करना होगा। नीचे जाके मेडिकल से तुम्हारे मनपसंद की कोई भी फ्लेवर। मैं कुछ समझा नहीं मैम साहब। देखो करण, हर इंसान अपने सपने को पूरे करने के लिए पैसों के पीछे भागता है, जैसे कि मेरे पति और तुम दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि तुम अपने बचपन के प्यार को पाने के लिए पैसों के पीछे भाग रहे हो और मेरे पति अपने बीवी बच्चे की जरूरतें कैसे पूरी हो इसलिए पैसों के पीछे भाग रहे हो। मेरी पति के पैसों से मेरी हर सुख सुविधा पूरी हो जाती है सिवाय प्यार के। अब तुम अपने प्यार के लिए इतना स्ट्रगल करते हो, इतना भागदौड़ करते हो, पर कल को तुमने पैसे नहीं जमा किए तो तुम्हारा प्यार तो किसी और के घर की अमानत हो जाएगा। तो ये तो तुम नहीं चाहोगे ना? लेकिन मेम साहब, इस तरह से पैसा कमाना अपने आप को और अपने प्यार को धोखा देकर। देखो दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और अगर तुम अपने प्यार को बचाना चाहते हो या उसे पाना चाहते हो तो ये लो पैसे और जो बोल रही हूँ वो करो। आखिर आपको आज मेरी याद आ ही गई। अरे नाराज क्यों होती हो जानू? अरे तुम्हें तो पता ही है ना कि दुबई में लोग टाइम के कितने ज्यादा पाबंद होते हैं। वो हुआ क्या कि आज सुबह सुबह बॉस का फोन आ गया कि ऑफिस पहुंचो, एक अर्जेंट मीटिंग है। बस तो काम में इतना बिजी हुआ कि पता ही नहीं चला। अभी फ्री हुआ हूँ, मैंने सोचा तुम्हें फोन करके पूछ लूं। अरे हाँ, वो चिंटू कैसा है? चिंटू तो आज सुबह ही हॉस्टल चला गया। जितने दिन
पूछो मत, बस एक ही रट लगा रखा था, पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। मुश्किल हो जाता उसका सवालों का जवाब देना। अब क्या बताऊं माधवी, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं। पैसे कमाने के लिए आदमी अपने घर बार से दूर हो ही जाता है, अपने बीवी बच्चों को उसे अकेला छोड़ना ही पड़ता है। देखो तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ से इंडिया की कंपनी में जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, किसी ना किसी कंपनी में मुझे जॉब मिल ही जाएगी। सच? हाँ माधवी। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ की कंपनी ने कोई जॉब ऑफर नहीं दिया तो? अगर जॉब नहीं मिली तो फिर तो मुझे यहीं परदेश में रहना पड़ेगा तुम दोनों के बिना। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, मुझे और चिंटू को तुम अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? देखो माधवी, तुम दोनों को मैं यहाँ बुलाना चाहता तो हूँ लेकिन बुला नहीं सकता, क्योंकि अगर तुम लोगों को यहाँ बुला लूँगा तो फिर मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा करेगा, और अगर पैसा नहीं बचेगा तो तुम दोनों के सपने और तुम दोनों के अरमानों को मैं कैसे पूरा करूँगा? मेरा सपना मेरा अरमान तो तुम हो ना। आपको तो बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं आपके बिना कैसे रहती हूँ। दिन रात बस आपका प्यार पाने के लिए तड़पती रहती हूँ मैं। मेरी मानो, आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे कोई काम धंधा शुरू कर लो। कम से कम आप पास रहोगे तो मैं ऐसे अधूरी तो नहीं रहूंगी। अरे माधवी यार, तुम फिर रोज की तरह बस शुरू हो गई। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम देखो मैंने यहाँ से तुमको कुरियर किया है परसों, जो तुम्हें आज मिल जाएगा, ठीक है? अपना ख्याल रखना, बाय। अरे सुनो तो। बाय बाय बाय। अब तुम्हें कैसे समझाऊं कि एक औरत की जरूरत क्या होती है? मैम आपका कुरियर। बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। जी थैंक्स। बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। जी